स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल के आपके 2021 में जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो संविधान है वो अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। दूसरा क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका मणिपुर में। माउंट डिब्लो पर्वत कहाँ स्थित है? तो माउंट डिब्लो पर्वत वो कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। राजभाषा पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राजभाषा पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो 1953 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी रेशियो सेंटर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, रक्त संचरण की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये खोज की गई है विलियम हॉर्क के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, संविधान का आर्टिकल 338(1) किससे संबंधित है? तो ये आर्टिकल जो संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है। 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड किससे प्रदान किया? तो 2020 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड है वो किया राजकमल झा को। मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? क्योंकि निर्यात बढ़ाने के लिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल जी हैं। तीसरे पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ किसने युद्ध किया था? तो तीसरे पानीपत के युद्ध में ये मराठा साम्राज्य ने क्या हुआ था, इसके खिलाफ युद्ध किया था। पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो पर्वतमाला है वो है नीलगिरी। HDFC बैंक के वर्तमान CEO कौन है? तो HDFC बैंक के जो वर्तमान CEO हैं शशिधर जगदीशन जी हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो आयोजित किया गया गोवा में आयोजित किया गया। किस वंश के द्वारा पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया? तो मगध साम्राज्य में हुआ पहली बार युद्ध में हाथियों का यूज किया गया। सूर्य के सबसे निकट आकाश गंगा कौन सी है? तो सूर्य के जो सबसे निकट आकाश गंगा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र सेक्टर में दिया जाता है। DRDO ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर भारत ने किस पिस्टल को डेवलप किया? तो ये डेवलप किया अश्मी नाम से जो है इसका है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो केंद्र में मंत्रिपरिषद की जो अपॉइंटमेंट है, जो नियुक्ति की जाती है, वो आर्टिकल 74 के तहत की जाती है। ब्राह्मणी समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्राह्मणी समाज की स्थापना 1347 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य में स्थित है। कुलदीप हांडू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये वसु कोच खेल से संबंधित हैं। असम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो असम में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 7 हैं। कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ? तो कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 में लागू हुआ। नेक्स्ट है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया? तो
तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर देश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये दिया गया आर्टिकल 148 में दिया गया है। इंडिया का पहला जिंजर प्रोसेसिंग सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया, तो इंडिया का जो पहला जिंजर प्रोसेसिंग सेक्टर है वो मेघालय राज्य में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से किसे 2020 में फिजिक्स का नोबल दिया गया, तो रोजर पेनिजोर, रन गेजल और इंडिया रिस को दिया गया। हेपेटाइटिस सी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है लीवर को। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हॉकी इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र निर्गुबम जी हैं। बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये आंदोलन संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान का आर्टिकल 48 किससे संबंधित है, तो संविधान का जो आर्टिकल 48 संबंधित है पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करने से रिलेटेड है। इंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, तो इंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्थित है कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित। संविधान के आर्टिकल 80 में किसका उल्लेख किया गया है, तो संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अगले कॉमनवेल्थ गेम किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे, तो अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो 2022 में आयोजित किए जाएंगे। भारत में अटल पेंशन योजना किस वर्ष लागू की गई, तो भारत में जो अटल पेंशन योजना है मई 2015 में लागू की गई। इबोला किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो इबोला जो फैलने वाली बीमारी है एक तरह की वायरस वाली बीमारी है। मिजोरम में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो मिजोरम में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, एक हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके 2021 में जितने शिफ्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने जीएस के डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसे आप देखिए, पढ़िए और समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।